सब्सक्राइब करें संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज फिर से वही पुराना टॉपिक लेकिन कुछ बातें नई होगी। टॉपिक का नाम है झाइयां यानी मेलाज्मा, मेलाज्मा झाइयां या हाइपर पिगमेंटेशन। मैंने जितने वीडियोस दिए हैं उसमें दवाइयों के बारे में जिक्र किया हुआ है, लाइफस्टाइल के बारे में जिक्र किया हुआ है। आज थोड़ी सी गहरी बातें, थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें मेलाज्मा या झाइयों को लेकर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेलाज्मा या झाइयां होते क्यों हैं या हमारी स्किन में। ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये मेल हो या फीमेल हो दोनों इसको यूज कर सकते हैं इन मेडिसिन को, और ये इन्फॉर्मेशन कॉमनली शेयर होगी। मेल्स के लिए अलग मेडिसिन या फीमेल्स के लिए अलग मेडिसिन बिल्कुल नहीं है, आप इस बात को पहले क्लियरली समझ लें। अब हम समझते हैं कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मेलाज्मा हो कैसे होता है या जेनेटिक्स की वजह से होता है, किस किस तरीके से होता है समझते हैं। मेलाज्मा यानी फेस में स्पॉट्स आना, पिगमेंटेशन आना। अब ये पिगमेंटेशन होता क्या है, कैसे होता है समझते हैं। चेहरे या बॉडी की जो स्किन है उसमें स्पेशली चेहरे की स्किन है, स्किन के दो पार्ट हैं, एक है एपिडर्मिस दूसरा है डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो डर्मिस वाली लेयर है वहां पर आपको मेलानिन पिगमेंट्स मिलते हैं। मेलानिन पिगमेंट का काम होता है आपके फेस को या आपकी बॉडी को कलर देने का। ये एक ब्लैक पिगमेंट होता है, जैसा आप इसको नेट पे गूगल करके या यूट्यूब में बहुत सारी जगह पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको कंटेंट मिलेगा, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। मेलानिन पिगमेंट की खासियत होती है कि ये सन के एक्सपोजर जब होता है, जब आप धूप के में जाते हैं तो धूप में आने के बाद ये और ज्यादा मेलानोसाइट्स, जो मेलानिन होता है वो मेलानोसाइट के अंदर होता है, मेलानोसाइट एक्टिवेट हो जाती है। मेलानोसाइट मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, मेलानिन को प्रोड्यूस करने, मेलानिन की मदर बोल सकते हैं, मेलानिन को प्रोड्यूस करने वाली सेल है, ये एक्टिव हो जाती हैं धूप में सनरेज में, और फिर मेलानोसाइट का प्रोडक्शन बढ़ता है और उस पर्टिकुलर पोर्शन में मेलानोसाइट डिपॉजिट होने लग जाती है, रुक जाती है, संख्या बढ़ जाती है, मेलानिन बढ़ जाते हैं और स्पॉट बन जाता है। अब कारण समझते हैं, एक तो सन एक्सपोजर हो गया, दूसरा कारण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फैमिलीज में होता है, मतलब जेनेटिक हिस्ट्री यानी आपकी फैमिली में आपकी आनुवंशिकी में ये है कि आपके नानी को दादी को या आपकी मदर को मेलाज्मा यानी फेस में स्पॉट्स होना या हाइपर पिगमेंटेशन होने की हिस्ट्री रही है, तब यानी जेनेटिक हिस्ट्री है आपके जीन्स में ऐसा है तो कि मेलानोसाइट्स का एक्टिवेट ज्यादा रहेंगे तो फिर तो ये होगा। लेकिन हम इसको ऐसे ही क्यों मान के चलें, हम जेनेटिक्स को ही मान के चलें ऐसा जरूरी नहीं है। अब साथ में मैं आपको इसके बाद मेडिसिन भी बताऊंगा, तो मैंने जो कारण बताए हैं उसको थोड़ा समझते चलना। जेनेटिक हिस्ट्री होने का ही मतलब ये नहीं है कि आपको ये तकलीफ होगी ही होगी, साथ में एक और चीज आएगी वो है लाइफस्टाइल, यानी आपकी जीवन शैली गड़बड़ चलती है, खाना खाने का टाइमिंग, सोने का टाइमिंग, सलाद हरी सब्जियां बिल्कुल ना होना, स्ट्रेस, तो ये सारे कारण एक साथ मिक्स होके आते हैं, भले ही आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री में इसकी आदत या इसकी हिस्ट्री रही हो, लेकिन यदि आनुवंशिकी के साथ में हमारा लाइफस्टाइल ज्यादा खराब है तभी हमारी आनुवंशिकी हमें इफेक्ट करेगी, अदरवाइज आनुवंशिकी का उतना हाई लेवल पे इफेक्ट नहीं होता। बातों को गंभीरता से समझिए, आप यदि ये समझ रहे हैं कि कोई भी बीमारी चाहे वो मेलाज्मा ही क्यों ना हो, यदि ये समझ रहे हैं कि मुझे, मेरी तो परिवार में मम्मी को भी था इसलिए मुझे हो गया, तो ये सोचना कि मम्मी को किस उम्र में हुआ था और मुझे किस उम्र में हो रहा है, मम्मी की लाइफस्टाइल कैसी थी मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, या नानी को हुआ था इसलिए मम्मी को हुआ इसलिए मुझे हुआ। जरूरी नहीं है ऐसा आपको हो, ऐसा तब तक आपको नहीं होगा जब तक आपकी जिंदगी जीवन शैली बहुत अच्छी चल रही हो। अब अगले कारण पे आते हैं, हार्मोनल कॉज। हार्मोनल कॉज में होता यह है कि आपके शरीर के जो हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो यदि ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं हार्मोन का या प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, कम हो रहा है,
तो जितनी स्मूथ आपकी स्किन होनी चाहिए, जितना स्मूथ आपका मेंस्ट्रुअल लेवल होना चाहिए स्पेशली फीमेल्स के लिए, और टेस्टोस्टेरोन या बाकी जो हार्मोन्स हैं वो आपके मेल में स्पेशली वो जितने प्रोड्यूस होना चाहिए वो है या नहीं है। और चूंकि हार्मोन्स का लेवल बॉडी में जिस तरह से रहेगा उसी के अकॉर्डिंग बॉडी चलेगी, बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड हार्मोन, बॉडी के जितने हार्मोनल प्रोसेसेस हैं वो बहुत जरूरी हैं, उनका मैनेज होना, उनका इक्वल बैलेंस होना। यदि वो बैलेंस गड़बड़ा रहा है तो बैलेंस गड़बड़ाता कब है, जब स्ट्रेस यानी तनाव की जिंदगी हम जी रहे हैं, हमें फाइनेंशियल से सिक्योरिटी चाहिए, हमें इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, हमारी हैप्पीनेस का लेवल कैसा है, बहुत सारी बातें हैं। इन सभी बातों को यदि आप एक साथ फिगर आउट करें, एक साथ सोचें, तभी आप किसी बीमारी को समझ पाएंगे या उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर पाएंगे। तो मैंने पहला बताया सन एक्सपोजर, दूसरा मैंने बताया फैमिलियल हिस्ट्री, तीसरा मैंने बताया कि लाइफस्टाइल, चौथा मैंने बताया हॉर्मोनल, एक और पांचवा फैक्टर बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ जरूरी फैक्टर और हैं वो सोचिएगा समझिएगा उसको। अगला जो फैक्टर है वो है सेल्फ मेडिकेशन की हिस्ट्री। यदि हम बहुत सारी दवाइयाँ किसी बीमारी के ले रहे हैं और हमें यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप और गूगल करने की बहुत आदत है, तो हम अपने मन से दवाइयाँ लेते जाते हैं, उन दवाइयों के भी इफेक्ट हमें होते हैं और उसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, स्वाभाविक है, होता ही है, क्योंकि इन मेडिसिन का मेलानोसाइट्स पे क्या इफेक्ट है, स्किन की क्या इफेक्ट है, ये हम समझ तो नहीं पाते लेकिन वो दिखता है। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आजकल सबसे ज्यादा स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम यूज हो रहे हैं फेस को ठीक रखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए हम लोग स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम का यूज कर रहे हैं। स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं प्लीज मेरी सलाह है बंद कर दीजिए, मत यूज कीजिए, क्योंकि इन्हीं स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम की वजह से, आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम को सर्च कीजिए, आप देखिए कि आपके जो क्रीम मिल रहे हैं आपको उसमें कोई स्टीरॉयड कंटेंट मिला तो नहीं है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, उनको देखिए और बहुत बेसिक यूज कीजिए। आपको होम्योपैथी में मैंने क्रीम बताए हुए हैं, आयुर्वेद में क्रीम बताए हुए हैं, आप स्टेराइड बेस क्रीम पे ना जाएं, क्योंकि ये आपकी स्किन को जबरदस्ती एक ग्लो देने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद ये पिगमेंटेशन के रूप में इसका साइड इफेक्ट दिखता है। तो बहुत ज़्यादा जो ब्यूटी कॉन्शियस लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्रीम यूज़ कर रहे हैं, और मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है उसमें ये बताया हुआ है कि आपकी दादी नानी के चेहरे में झाइयाँ नहीं होती थी, आपके चेहरे में क्यों होती है, आज भी उनके चेहरे में झाइयाँ नहीं होती थी, वो नेचुरल रहते थे, लाइफस्टाइल नेचुरल थी, आपके चेहरे में क्यों है। दूसरा मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि क्या स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम यूज करने की वजह से हमें झाइयां हो रही हैं, तो हाँ बिल्कुल हो रही हैं। ब्यूटी कॉन्शियस लोग, ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा झाइयों के शिकार हो रहे हैं, उनका फेस झाइयों से, पिगमेंटेशन से, छोटे छोटे स्पॉट से। मैं यहाँ टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन जितने भी हमें मिलते हैं, चूंकि हम स्किन क्लिनिक में काम करते हैं, हमारा स्किन क्लिनिक भी है और उसमें भी इस तरह के केसेस आते हैं, मैं अभी उसी सेटअप में बैठा हुआ हूँ, तो उसमें भी इस तरह की चीजें हमको देखने मिलती है। मैं अलग अलग तरह के पिक्चर्स आपको दूंगा, पूरा झाइयों से भरा हुआ चेहरा, इवन ये फ्रंटल रीजन, फेस में, नोज के ऊपर सटल स्पॉट्स, बहुत सारे स्पॉट्स हो गए हैं, पीठ में आने लगे हैं, गले में आने लगे हैं, अलग अलग जगहों पे स्पॉट्स आने लगे हैं, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। जो मैंने बातें बताई हैं उसको ध्यान रखें, और दवाइयों की लिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, अभी भी मैं आपको कुछ दवाइयों की लिस्ट बता रहा हूँ। पहली दवाई है पल्सेटिला 200, चार चार गोली सुबह शाम, या दो दो बूंद सुबह शाम की मात्रा में 30 मिल जाए या 200 मिल जाए, दोनों मेडिसिन, दोनों पोटेंसी अच्छी है। दूसरी मेडिसिन है सीपीआर 200 या सीपीआर 30 पोटेंसी में, दो दो बूंद सुबह शाम या चार चार गोली सुबह शाम की मात्रा में, जीभ पे रख लेना है, पी लेना है, या गोलियां मिल रही तो खाना है। तीसरी दवाई है थूजा, मदर टिंचर मैंने आपको बताया हुआ है, 10-10 बूंद सुबह शाम की मात्रा में, आधा कप पानी में लेके पी लें। और चौथी दवाई है बर्बेस वल्गेस क्यू, 10-10 बूंद, बर्बेस एक्यूफोलियम क्यू, 10-10 बूंद, आधा कप पानी में। एक क्रीम मैंने आपको बताया अभी, विच हेजल ऑइंटमेंट, वो आपको यूज करना है। और सन प्रोटेक्टिव फैक्टर SPF 40, SPF 30, SPF 40 दोनों अवेलेबल है, जिसकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है वो SPF 40 यूज करेंगे, वो भी आपको डिटेल में बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है, वो आप यूज करेंगे।
लाइफस्टाइल यदि आपकी गड़बड़ रहती है, डाइजेशन का आपको इश्यू रहता है, तो नागस्वामी का 200 या नागस्वामी का 30, दो दो बूंद चार चार बूंद सुबह शाम दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन यूज कर लीजिए। ये मैंने आपको बेसिक दवाइयां बताई हैं, इन दवाइयों को आपको यूज करना है, यूज करिए, आपको जरूर आराम मिलेगा। लेकिन दवाइयों को यूज करने के पहले आपने जो डॉक्टर्स हैं उससे भी सलाह लीजिए, जो आपके साथ में आपके आसपास या आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, आप उनसे सलाह जरूर लें कि ये जो मेडिसिन मैं यूज़ कर रहा हूँ इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, होगा या नहीं होगा, वो भी आप उनसे डिस्कस जरूर करिएगा। क्योंकि मैं केवल आपको सलाह दे सकता हूँ, आपको रेगुलर यूज़ करना है मेडिसिन को, कुछ समय तक, महीने, दो महीने, तीन महीने, किसी को चार महीने भी लग सकते हैं, किसी को हो सकता है एक साल भी लगे। लेकिन इन सभी के साथ में आपको अपने डॉक्टर की सलाह भी लेनी है, और आपको करना यह है कि फ्लैक्सीड, अलसी दो दो चम्मच दिन में तीन बार, अलसी यानी फ्लैक्सीड जो मैंने बताया है वो आपको रेगुलर लेना है, अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करना है, हरी सब्जियां, सैलड्स, स्पेशली फ्रूट सैलड वगैरह आपको रेगुलर यूज़ करना है, विटामिन सी के लिए नींबू, संतरा, मौसम्बी, क्योंकि ये एक केवल मेडिसिन से जाने वाली चीज़ नहीं होती, आपको लाइफस्टाइल में भी सपोर्ट करना पड़ेगा। एक और चीज़ बहुत बहुत कॉमनली यूज़ होती है जो कि एस्थेटिक मेडिसिन का पार्ट है, जो हम लोग अपने क्लिनिक में भी यूज़ करते हैं, मैं केमिकल पीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोडर्मा एब्रेशन ट्रीटमेंट की। माइक्रोडर्मा एब्रेशन ट्रीटमेंट यानी MDA एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्किन के ऊपर सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन जो एपिडर्मिस है उस पर एब्रेशन इफेक्ट दिया जाता है। मशीन में डायमंड के क्रिस्टल्स होते हैं कि जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज होता है जो क्रिस्टल डर्माइब्रेशन कहलाता है, और एक होता है MDA माइक्रोडर्माइब्रेशन जिसमें डायमंड के क्रिस्टल मशीन के टिप पे होते हैं जो इस पोर्शन में स्किन में माइल्ड एब्रेशन क्रिएट करते हैं, और एब्रेशन क्रिएट करने के बाद उसमें सक्शन का इफेक्ट होता है जिससे ब्लड प्रेशर जो है उस पोर्शन में बढ़ता है और न्यू सेल्स ग्रोथ होती है, न्यू स्किन ग्रोथ होती है, पुरानी स्किन सेट ऑफ होती है, पुरानी सेल्स सेट ऑफ होती है, नया ग्लो फेस में क्रिएट करता है, और जो एक्सफोलिएशन है ये एक्चुअली एक्सफोलिएशन प्रोसेस है। तो आप इसको सुपरफिशियल स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए MDA यूज़ कीजिए। MDA के साइकल्स 20 से 25 दिन में, कभी कभी 15 दिन में यूज़ करते हैं, हम लोग अपने क्लिनिक में भी करते हैं, और साथ में मेडिसिन का यूज़ करते हैं। जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलती है, साथ में तीसरा लाइफस्टाइल, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है और फेस ग्लोइंग हो जाता है। इवन डर्मेटोलॉजिस्ट ऑल्सो यूज दीज थिंग्स, और डर्मेटोलॉजिस्ट एक और चीज़ यूज़ करते हैं, वो केमिकल पीलिंग यूज़ करते हैं। बट केमिकल पीलिंग में होता यह है कि उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनका, हालांकि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता, बहुत माइल्ड ही रहता है क्योंकि उसके डोजेस बहुत कम होते हैं, और ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, तो ये जनरली यूज़ होते ही हैं। तो खैर वो अलग बात है, वो प्रोसीजर्स अलग हैं, ये जो प्रोसीजर है एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें आपको फेस पे एक एब्रेशन इफेक्ट दिया जाता है, मशीन का यूज़ होता है, साथ में मेडिसिन यूज़ होती है, और आपको रिजल्ट मिलते हैं। मुझे पता है थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन ये बहुत लेंथी वीडियो है, पर थोड़ा सा इसमें जो डिटेल्स हैं बहुत डिस्क्राइब मैंने करने की कोशिश की है कि आपके फेस में एक्चुअली आपकी स्किन में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। कॉजेज मैंने बता दिए हैं, कॉजेज आपके जेनेटिक हो सकते हैं, कॉजेज आपके इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, कॉजेज आपके सन एक्सपोजर हो सकता है, कॉजेज आपका हार्मोनल हो सकता है, कॉजेज आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, कॉजेज आपका मेडिसिन हो सकती है, कॉजेज आपका ओवर यूज ऑफ कॉस्मेटिक थिंग्स हो सकती हैं, आपके क्रीम का यूज़ हो सकता है, ओवर यूज़ ऑफ स्टीरॉयड क्रीम्स हो सकता है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर में होने वाले जितने भी यूजेस हैं वो उनसे भी आपको ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो इसका ध्यान रखें। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक शेयर कमेंट जिस तरह से आप कर रहे हैं चैनल को करते रहे हैं, और लगभग मेरे ख्याल से एक आध महीने में, एक डेढ़ महीने में हम 1,00,000 लोगों का एक ग्रुप हो जाएगा। तो जिस तरह से आप लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं, करते रहें, लोगों तक पहुँचाते रहें इस नॉलेज को, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए और संजीवनी होम्योपैथी के चैनल को लगातार देखते रहने के लिए, अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये वाला वीडियो भी आपके बहुत काम का है। जय हिंद, जय भारत।